जमानत पर छूटते ही मुजफ्फर ने मांगी 1 करोड़ की रंगदारी। राजूपाल हत्याकांड के गवाह के भाई से मांगे 50 लाख रुपए। गो तस्कर और अति गैंग से जुड़े मोहम्मद मुजफ्फर पर जमानत पर रिहा होते ही फिर से गुंडई करने का आरोप लगा है। कौशाम्बी के एक युवक ने 1 करोड़ की रंगदारी मांगने और धमकी देने का थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। 7 भाई नामजद हुए हैं। कौशाम्बी के सराय अकील निवासी राम जीवन की पत्नी आशा देवी के नाम से पूरा मुफ्ती में 3.5 बीघा जमीन है। उस जमीन पर मोहम्मद मुजफ्फर ने कब्जा कर लिया था। 2006 से उस पर ईंट भट्टा का संचालन कर रहा था। जेल से ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जीतने वाले मोहम्मद मुजफ्फर के खिलाफ जब गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई शुरू हुई तो आशा देवी ने मदद की गुहार लगाई। उस वक्त एडीजी जोन रहे प्रेम प्रकाश ने शिकायत पर थानेदार को फटकार लगाई। 2022 में पुलिस और राजस्व की टीम ने जांच की और उसके बाद आशा देवी को कब्जा दिलाया। रविवार को आशा देवी के पति ने संगीन आरोप लगाए। पुलिस को बताया कि 22 मई को वह कौशाम्बी से बाइक से प्रयागराज आ रहा था। रास्ते में 4 पहिया वाहन से मोहम्मद मुजफ्फर ने अपने भाइयों के साथ उसका मंदर मोड़ तक पीछा किया, बेगम बाजार के पास घेर लिया। 7 भाइयों ने धमकाया कि उनके खिलाफ पुलिस से शिकायत है, क्योंकि यह भी कहा कि उसकी जमीन राम जीवन के पिता से किराए पर ली थी। धमकाया कि अगर जमीन चाहिए तो उसे 1 करोड़ रुपए देने होंगे।